कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त हनुमान जी के लिए ऐसे अमर्यादित डायलॉग लिखने वाले लेखक मनोज मुंतशिर अब मुंबई पुलिस से अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहे। भारत राम भूमि है और भगवान राम के लिए आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाते समय मेकर्स ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के लोग ही इसे नकार देंगे। वजह बहुत सारी है, लेकिन इसके पीछे की कहीं ना कहीं मुख्य वजह मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग भी है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की जैसे छपरी डायलॉग की वजह से मनोज मुंतशिर को अब अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये डायलॉग भी उन्होंने इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु से चुरा कर लिखा था। अब चुराए हुए डायलॉग में भी खुद का लेबल लगाकर जनता के रोष के कारण मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है। इससे हमें तीन लाइनें याद आती हैं। डायलॉग किसका? आपका। तेल किसका? आपका। तो फटेगी भी किसकी? आपकी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो कि बसा तो पूरे गर्मी वाले क्षेत्र में है, लेकिन जैसे आप उस मंदिर के अंदर जाएंगे आपको अचानक से इतनी ठंड लगने लगेगी कि कंबल निकालने की नौबत आ जाएगी। अब ये मंदिर है कहाँ, चलिए जानते हैं। दरअसल ये मंदिर है उड़ीसा के टीटलागढ़ शहर के कुम्हाड़ पहाड़ी में बसा शिवजी और माँ पार्वती का मंदिर, जो उसके बाहरी बढ़ते और अंदर से घटते तापमान के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ियों में बसे इस मंदिर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी गर्मी से आप बेहाल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ठंड का एहसास होने लगेगा और ठंडी हवाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको कंबल निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन बाहर इतनी गर्मी और मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों है, ये आज तक किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं लग पाया है। पर लोगों का मानना है कि ये ठंडी हवा शिवजी और माँ पार्वती के मूर्ति से आती है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि ये चमत्कार मंदिर में क्यों हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डरावनी फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक चलती बस में एक अकेली लड़की बैठी है, जिसका धड़ तो है लेकिन चेहरा है ही नहीं। पर अगर आपको ये असलियत में दिख जाए तो, जी हाँ गाइस, दिल्ली के एक बस कंडक्टर के साथ रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रात के समय बस में अकेले एक लड़की लाल घूंघट लिए बैठी हुई थी। लेकिन जब कंडक्टर ने उससे पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, तो भैया उसने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं। और जब उस कंडक्टर ने उस लड़की को चेहरा दिखाने को कहा तो उसने कहा कि मेरा चेहरा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही कंडक्टर लेडी के सामने गया तो सही में उसका चेहरा गायब था, जिसे देखने के बाद कंडक्टर भैया के तो होश उड़ गए। लेकिन जैसे ही कंडक्टर ने पुलिस की गाड़ी को देखा, उसने बस रुकवाई और पुलिस को ये बात बताई, लेकिन पुलिस जैसे ही बस पर चढ़ी वो लड़की वहां से गायब हो गई। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि वो लड़की कहां गायब हो गई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर सलमान खान हमेशा अपने हाथ में ये आसमानी रंग के स्टोन का ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं, ऐसा क्या खास है इसमें, चलिए जानते हैं। दरअसल सलमान खान को ये ब्रेसलेट उनके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। इस ब्रेसलेट में आसमानी रंग का एक पत्थर लगा हुआ है, जिसे फिरोजा स्टोन कहा जाता है। माना ऐसा जाता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही लिविंग यानी कि जीवित स्टोन है, जिसमें से एक है अकीक और दूसरा है फिरोजा, जिसे टर्कोइस नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोजा स्टोन हमारे आसपास आने वाली नेगेटिव एनर्जी और मुसीबतों को खत्म करता है, अपने ऊपर ले लेता है, और इसलिए सलमान खान हमेशा ये ब्रेसलेट पहने हुए नजर आते हैं, ताकि उन्हें उनको प्यार करने वाली लड़कियों की नजर ना लग जाए। हम मजाक कर रहे हैं, पर सलमान खान को कभी नजर लग ही नहीं सकती जब तक उनके फैंस जिंदा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।